शांतिरंतरिक्ष सर्वदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांत्र ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां द्वा गणपतिगुं हवामहे जासि गर्वदम् अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति कश्चन यजमानो हमर्भिः अहेजमानो मरुणेः बुद्धिर्जुगुं समानि आयुः प्रमोखेः पाणासुदा मूले वसिष्ठतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदा कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गः कलश चढ़ाइए मम वरुण कलश देवता सांगायो सपरिवारायो सशक्तिकायो आवाहयामि स्थापयामि सदाधार पृथ्वींद्यामते मा कस्मै देवाय हविखापि धेमः ॐ सर्वोऽपि रूपमस्व नवो व्यातम् षडन्निखाणामुं मैखाण सर्वलोकं मैखाणः अखण्ड नारिकेल फलम् सोम साङ्गायो सर्वे कलशनिष्ठात्र देवतः सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः ॐ कृष्णानियम गंगाजलम विलोहितः उदयनं गोपा आदर्शं नादर्शं नोदहार्द्यः सदृष्टो प्रलयातिरः वस्त्र ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः माधवाय नमः ॐ आपवित्रकम् ॐ आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये मौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम स्वरूप नारायणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि संपूजयामहे ओम थोड़ा फूल दे दो फूल छोड़ कोटि युग धारणे नमः सहित तो समस्त देवी देवताओं को अपने मध्य में रखते हुए कलश के माध्यम से और समस्त जाय नगर की परिक्रमा करने का एक लक्ष्य होता है। उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जन प्रतिनिधि जो जन जन है वो जाने कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, इसलिए वह सम्मेलन। इसके साथ इस आयोजन का जो मुख्य लक्ष्य है वो समाज का सुधार करना, युवा वर्ग के उस विचारों में जो कि एक दूषित वातावरण बन चुका है उसके अंदर में सुधार लाना एवं आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने के लिए ये श्रीमद् भागवत जो साक्षात कलयुग के अंदर में वांग्मयी स्वरूप भगवान का है, साक्षात वेद है, पंचम वेद है, इसका जो भी आश्रय लेता है, जो कथा श्रवण करता है, निश्चित रूप से कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के